त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में फसाद हो गया। फसाद करवाने के पीछे जिन संगठनों का हाथ था, उनमें सबसे बड़ा नाम रजा अकादमी का सामने आया। लेकिन इन फसादी संगठनों पर तेजी से कार्रवाई करने की जगह उद्धव ठाकरे की सरकार अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी को निशाना बना रही है। संजय राउत के बाद अब नवाब मलिक सामने आए और बीजेपी पर तीरंदाजी करने लगे और अपने हिसाब से साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में अब तक जो भी हुआ उसकी साजिश बीजेपी ने ही रची। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और पूरे महाराष्ट्र में तनाव और दंगे पैदा करने की बड़ी साजिश थी। बीजेपी नेता अनिल बोंडे और अन्य ने इस साजिश के तहत अमरावती शहर में पथराव और आगजनी की। मुंबई से भी मोटी रकम वहां गई। महाराष्ट्र की जनता सच्चाई जानती है, बीजेपी की ओर से गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने अमरावती के हिंसा में रजा अकादमी की भूमिका को संदिग्ध बताया और कहा कि पुलिस इसकी भी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आशीष सेलार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे रजा अकादमी के दफ्तर में क्या कर रहे थे, मेरे पास तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से नांदेड़, मालेगांव और अमरावती जैसे स्थलों पर बंद का आह्वान किया गया था। पुलिस ने हालात को अच्छे से नियंत्रित किया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसीज बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव ने भी ये साबित कर दिया। चुनाव के बाद अब सभी नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को भी नोटिस दिया था जिसे वापस ले लिया गया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि वे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मी माँ नामक चुंबक से चल रही है और ये लक्ष्मी माँ का अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे चुंबक हैं, हमें दिल्ली नीचे नहीं ले जा सकती, हम बीजेपी से नहीं डरते। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में हिंदुत्व के खिलाफ हवा चल रही है। सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी और राहुल गांधी के बाद इस बहस में मणिशंकर अय्यर भी कूद पड़े और जजिया टैक्स वसूलने वाले मुगलों को महान देशभक्त कह डाला। अय्यर ने दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में जोर जबरदस्ती द्वारा कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। उन्होंने मुगलों को देश प्रेमी बताया। मणिशंकर अय्यर ने भाजपा पर घृणा फैलाने और देश में लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया। अपने संबोधन में मणिशंकर अय्यर ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर अपने बयान के समर्थन में तर्क पेश करते हुए अय्यर ने पहली जनगणना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1872 में देश में 72% हिंदू थे और 24% मुस्लिम थे। कमोबेश ये संख्या अब भी वैसी ही है, इसलिए मुस्लिमों पर जनसंख्या बढ़ाने के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। अय्यर ने कहा कि 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों की तादाद भारत में करीब 24% और हिंदुओं की 72% थी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कहते हैं कि मारपीट हुई, सब लड़कियों से बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना लिया। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी की बस एक ही मांग थी कि 30% आरक्षण दीजिए। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी उस दिन। अय्यर ने कहा कि राहुल जी ने हाल ही में 2-3 दिन पहले ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अंतर यह है कि हम हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, हम 100% भारतीय हैं, हम सारे जो देश के बाशिंदे हैं हम उनको भारतीय समझते हैं और चंद लोग हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं जिनका कहना है कि नहीं 80% भारतीय जो कि 80 हिंदू धर्म को मानते हैं वही असली भारतीय और बाकी जो लोग हैं वे गैर भारतीय हैं। राहुल गांधी ने बीते दिनों हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि क्या सिख या मुसलमान को पीटना हिंदू धर्म है, हिंदुत्व तो निश्चित रूप से यही है। ये किस किताब में लिखा है, मैंने इसे नहीं देखा, मैंने उपनिषद पढ़े हैं लेकिन मैंने इसे वहाँ भी नहीं पढ़ा। राहुल गांधी का बयान सलमान खुर्शीद के उस बयान के संदर्भ में आया था जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी समूहों, बोको हरम और आईएसआईएस के जिहादी इस्लाम से की थी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इस बड़े राज्य की सियासत का तापमान काफी बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, मायावती सबके सब जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं और अपनी रणनीतियां भी बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने ऐसा बड़ा दांव चल दिया जिसके झटके पूरे चुनाव तक अखिलेश यादव और मायावती को लगते रहेंगे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बड़ी सेंध लगा दी है। दोनों पार्टियों के करीब 10 एमएलसी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की अहम भूमिका है। समाजवादी पार्टी के रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, बसपा के ब्रिजेश कुमार सिंह सहित 10 एमएलसी बीजेपी का झंडा थामेंगे। चुनाव के पहले बीजेपी की कोशिश है कि उन दलों में सेंधमारी की जाए जिनके नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। यह उसका टेस्टेड फार्मूला भी रहा है, इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी अपने टेस्टेड फार्मूले को एक बार फिर आजमाने में जुटी है। लेकिन इस बार उसके टारगेट पर समाजवादी पार्टी और उसके नेता हैं, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। फिर अपना उम्मीदवार अपना हो या फिर किसी दूसरे दल से आया हुआ ही क्यों ना हो। जब 2014 में लोकसभा चुनाव देश में हो रहे थे, उससे पहले भी बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी। तब कांग्रेस के बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए थे, और अब जब बारी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव की आई, तो भी बीजेपी ने इसी फॉर्मूले को अपनाया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एनसीबी की टीम ने नांदेड़ जिले में ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी, और दूसरी तरफ गुजरात के मोरबी में करीब 600 करोड़ की हेरोइन बरामद की। नांदेड़ में पकड़ी गई 1127 किलो नशीले पदार्थों की बड़ी खेप आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र लाई जा रही थी। समीर वानखेड़े ने नांदेड़ से जब्त नशीले पदार्थ की जानकारी जैसे ही साझा की, नवाब मलिक एक बार फिर एक्शन में आ गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि गोवा ड्रग्स का हब है, काशिफ सभी ड्रग्स तस्करों से पैसे वसूल करता है और वानखेड़े उसे बचा लेते हैं। वे फिर से समीर खान के खिलाफ जांच करना चाहते हैं। वे मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि गुजरात में जल मार्ग के जरिए ड्रग्स की आपूर्ति होती है और पूरे देश में ड्रग्स गुजरात से ही सप्लाई की जा रही है। असल में समीर वानखेड़े ने अपने पिता के जरिए मानहानि का मामला दायर किया। उनके परिवार ने SC ST आयोग से भी संपर्क किया। क्रूज मामले को लेकर 3 जांच चल रही हैं, और इन सब को लेकर नवाब मलिक ने कहा कि उस मामले में सौदा 25 करोड़ का था और रियायती दर पर 18 करोड़ में बातचीत की गई थी। हमने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। नवाब मलिक ने सैम डिसूजा का बयान एनसीबी की ओर से दिल्ली में दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सैम डिसूजा समीर वानखेड़े की निजी सेना में है, मैं एनसीबी नहीं चांडाल चौकड़ी के खिलाफ हूँ। वे मुंबई में लोगों से हजारों करोड़ों रुपए रंगदारी के वसूल रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा कि सैम डिसूजा ने इंटरव्यू में कहा कि वे एनसीबी के वीवी सिंह से 2 मीडिया कर्मियों के जरिए मिले थे, ये दोनों ड्रग तस्करों से पैसे लेते थे। सबके बाद सैम डिसूजा कह रहा है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है और केवल केपी गोसावी और अन्य अपराधी हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और साथ ही काशिफ खान की गिरफ्तारी न होने को लेकर भी सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 2-3 दिनों तक शांत रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी पर फिर से हमले तेज कर दिए। वजह ये कि सीएम चन्नी जब भी कोई लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी लोकप्रियता बढ़ने का खतरा दिखने लगता है और फिर वे उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सिद्धू नहीं चाहते कि चन्नी कोई ऐसा काम करें जिसे लोग पसंद करें। यही वजह है कि जैसे ही चन्नी कुछ घोषणाएं करते हैं, सिद्धू हंगामा शुरू कर देते हैं। उन्होंने अब सरकार की नौकरियां देने के वादों से लेकर विभिन्न घोषणाओं पर सवाल उठाए। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तहत रखे गए नर्सिंग स्टाफ के साथ बातचीत का एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना सवाल किया कि जो लोग 26 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो कि जो 1 लाख पद अब भी खाली पड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा। इसके साथ ही चन्नी फिर हमलावर हुए। सिद्धू ने कहा कि रियायतें देने के लिए फंडिंग का स्रोत बताएं। आपके पास पैसा है तो सबसे पहले वह 1 लाख पद भरें, यह तो सबसे आसान तरीका है। सिद्धू ने कहा कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं। इन 1 लाख नौकरियों को दे दोगे तो 5 लाख परिवारों तक पहुंच जाओगे। यही 5 आगे 25 लाख तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन बताओ, ये 1 लाख पद नहीं भरे गए। सिद्धू ने कहा कि इस बार वोट सोच समझकर डालना, लॉलीपॉप देखकर मत डालना।
मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मैंने आप जैसे लोगों के कारण सब छोड़ा, मंत्री पद भी छोड़ा, ताकि आप जैसों को कोई बेवकूफ न बना सके। पे कमीशन तो पहले दिन से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंतिम 3 महीनों में मिले। इस बात को सारे समझो। इससे पहले सिद्धू ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध उस समय भी मोर्चा खोल दिया जब चन्नी आदमपुर में लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। इन घोषणाओं पर भड़के सिद्धू ने चन्नी का नाम लिए बिना उन्हें पंजाब की वित्तीय हालत पर चुनौती दी। सिद्धू ने कहा कि कर्ज लेकर काम करना कोई रास्ता नहीं है, टैक्स विकास के लिए प्रयोग किए जाएं, कर्ज उतारने के लिए नहीं। अपने मॉडल की बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि राज्यों के संसाधनों की चोरी को रोकना, सरकारी खजाने को भरना और राज्य की आय बढ़ाकर कल्याणकारी राज्य बनाना है। हर योजना की घोषणा करने से पहले उसकी आय के स्रोत की जानकारी देना ही जवाबदेही है। पारदर्शिता हर महीने राज्य की वित्तीय हालत को सार्वजनिक करने की मांग करती है। सिद्धू ने कहा कि वर्तमान में पंजाब भारत के सभी राज्यों में बड़ा कर्ज वाला राज्य है। राज्य के कुल घरेलू सकल उत्पाद का 50% कर्ज है। वास्तविक मुद्दों से न हटें, जिसकी अब हर पंजाबी और पार्टी कार्यकर्ता मांग कर रहा है। इससे पहले सुबह के समय सिद्धू ने एक ट्वीट और किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी के पास आंखें हैं, लेकिन विजन किसी के पास होता है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नवजोत सिद्धू ने कहा था कि पंजाब जिस तरह कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है, इससे राज्य में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। हालांकि उनके इस बयान का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन सिद्धू ने एक बार फिर 3 ट्वीट करके ये संदेश दिया कि वह अपने स्टैंड पर दृढ़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया, जो कांग्रेस के गले की हड्डी तक बन गया। बात सलमान खुर्शीद तक की ही होती तो फिर गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद कांग्रेस उसकी आड़ में छिप जाती, लेकिन बिना सोचे समझे राहुल गांधी ने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन कर दिया और अब तो मणिशंकर अय्यर भी ताल ठोकने लगे हैं। नतीजा ये हुआ कि प्रियंका वाड्रा की तुलसी की माला बेमानी हो गई और पार्टी में सलमान खुर्शीद के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गईं। यूपी कांग्रेस के नेता ने पार्टी इसी बात पर छोड़ दी कि सलमान खुर्शीद के बयानों से बीजेपी को ताकत मिली है। कांग्रेस के कई नेता ये नहीं समझ पा रहे कि अयोध्या फैसले पर उनकी पुस्तक उसी वक्त क्यों आई जब चुनावी अधिसूचना जारी होने को है। पुस्तक पहले भी आ सकती थी और बाद में भी। इस पुस्तक में सलमान खुर्शीद ने जो भी कहा, उसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना को बोको हरम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से किया। सलमान की तरफ से खड़ी हुई इस मुश्किल पर कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि वो चुनाव के मौके पर ही पार्टी के लिए क्यों मुश्किल खड़ी करते हैं। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के मौके पर भी सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। उस समय वो केंद्रीय सरकार में कानून मंत्री थे। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुसलमानों को ओबीसी कोटे से 9% आरक्षण दिया जाएगा। इसे बीजेपी ने मुद्दा तो बनाया ही था, चुनाव आयोग ने भी इस पर नोटिस जारी कर दिया था। कांग्रेस को तब भी उनके इस बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा था। यूपी के 2012 के चुनाव में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसे केंद्रीय सत्ता से बाहर होना पड़ा था। पार्टी की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में हार के जो कारण गिनाए गए थे, उनमें 2 बयान भी शामिल थे। एक तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, दूसरा सलमान खुर्शीद के मुसलमानों के आरक्षण वाला। कमेटी ने कहा था कि बहुसंख्यक वर्ग के बीच ये धारणा पुख्ता हो गई कि सिर्फ मुसलमानों के हक में बात करती है कांग्रेस, बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए उसके पास कोई विजन नहीं है। और अब 2022 के चुनाव के मौके पर सलमान ने एक बार फिर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना ममता बनर्जी को इतना नागवार गुजरा कि अब उन्होंने बीएसएफ की देशभक्ति और निष्ठा पर सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, टीएमसी ने बीएसएफ के चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीएसएफ को सीमाई इलाकों में 50 किलोमीटर तक के दायरे में जांच का अधिकार दिया गया तो ममता बनर्जी से लेकर पंजाब के सीएम चन्नी तक नाराज हो गए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस फैसले में विरोध करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर ही दिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया। इस बदलाव का उद्देश्य यही है कि सुरक्षा बलों को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त हो। मोदी सरकार के इस फैसले से पहले बीएसएफ के लिए ये दायरा 50 किलोमीटर से बहुत कम 15 किलोमीटर के आसपास था।
फैसले के विरुद्ध पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए काफी हंगामा हुआ। टीएमसी के विधायक उदन गुहा ने कहा कि जब कोई महिला बॉर्डर क्रॉस करती है तो बीएसएफ के जवान उसकी जांच के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूते हैं। भारत माता की जय कितना भी बोल लें, देशभक्त नहीं हो सकते। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने बीएसएफ जवानों के खिलाफ दर्ज केसेस का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि उन पर कई मर्डर केस भी हैं। वहीं विधायक के बयान पर बीएसएफ ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल एक पेशेवर बल है जिसने हमेशा नियमों का पालन करके अनिवार्य कर्तव्यों का पालन किया। बीएसएफ में महिला प्रभारी भी हैं जो महिलाओं की तलाशी लेती हैं। बीएसएफ कर्मचारियों द्वारा महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। पश्चिम बंगाल से पहले पंजाब विधानसभा ने भी केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने केंद्र के आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उसे खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। उन्होंने केंद्र के इस फैसले को राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप बताया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का समर्थन किया था। इनके अलावा मालूम हो कि बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले की आलोचना की थी और उस पर देश के संघीय ढांचे में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उनके अलावा राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी कहा था कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का कदम देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।